दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी इमारत की मजबूती किससे तय होती है? उसकी नींव से। जी हाँ, जिस इमारत की नींव सबसे मजबूत और गहरी होती है, वही सबसे बुलंद होती है। दोस्तों, हमारा शरीर भी एक इमारत की तरह है। ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है और इन कोशिकाओं के निर्माण का आधार है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लगभग हर एक पार्ट के लिए जरूरी होता है। मानव शरीर की तुलना एक लिविंग मशीन के साथ की जा सकती है, जहां असंख्य कोशिकाओं को प्रतिदिन रिप्लेस रीजनरेट करना पड़ता है। साथ ही शरीर के आकार की भी वृद्धि के लिए कोशिकाओं का मल्टीफिकेशन भी होता है। ये जटिल कार्य प्रोटीन के बिना संभव नहीं हो सकता। इसके अलावा शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं जैसे एंजाइम एक्टिविटी और इम्यूनिटी प्रोटीन के ऊपर निर्भर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटीन आखिर है क्या? दोस्तों, 9 अत्यंत आवश्यक और 12 गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलकर शरीर में 1,00,000 से भी अधिक प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अगर इन 9 आवश्यक अमीनो एसिड में से एक भी अमीनो एसिड मौजूद ना हो तो शरीर में प्रोटीन नहीं बन सकता। इनकी कमी को पूरा करने के लिए हम कई प्रकार के प्रोटीन युक्त भोजन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दोस्तों, हम सबको रोजाना निश्चित मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है और जब ये नहीं मिलता तो इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना, हड्डियां और याददाश्त का कमजोर होना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। वैसे तो हमें दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियों, दालों, ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन के अलावा अंडे, मछली और चिकन आदि से प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन भोजन में इन चीजों की कमी के कारण और केमिकल्स, हार्मोन्स व मिलावट के चलते शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता है। प्रोटीन का स्रोत और गुणवत्ता सही ना होने पर शरीर उसे पचा भी नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में यूरिया और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। इनका बढ़ना शरीर के लिए हानिकारक है। एक रिसर्च के अनुसार 10 में से 9 भारतीय आवश्यक मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं। हमारे शरीर में कमजोरी की मुख्य वजह भोजन में प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हम अपनी डाइट में प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का सेवन ज्यादा करते हैं। तो फिर हम अपने शरीर को प्रोटीन कैसे दें? दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान है गैलवे न्यूट्रीफ्लो सोयवे प्रोटीन पाउडर। सोयवे प्रोटीन पाउडर आपके पूरे परिवार के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक आहार है। पूरी तरह वेजिटेरियन और मिलावट रहित सोयवे प्रोटीन पाउडर उच्च गुणवत्ता वाले सोया प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन और आसानी से पचने वाले माल्टोडेक्सट्रिन का शानदार मिश्रण है। सोयवे प्रोटीन पाउडर सही प्रोटीन और उसके अंदर मिलने वाले अमीनो एसिड्स की मात्रा को पूरा करके नए ऊतकों एवं कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर के विकास एवं वृद्धि को बूस्ट करता है। दोस्तों, इसमें 82% प्रोटीन और सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड भी मौजूद हैं। इसका पीडीकास 1 है। दोस्तों, पीडीकास WHO द्वारा विभिन्न फूड सोर्सेस से प्रोटीन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक है और इस हिसाब से हमारा सोयवे पाउडर सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रोटीन है। आप एक ग्लास में 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम सोयवे प्रोटीन पाउडर लें, उसमें पानी, जूस या दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। स्वाद के अनुसार शक्कर या कोई और अन्य मीठी चीज मिला सकते हैं। सोयवे पाउडर को आटा, सब्जी व दाल इत्यादि में भी मिलाया जा सकता है। इसकी MRP 810 रुपए है, यानी मात्र 40 रुपए 50 पैसे की प्रति खुराक में आप अपने शरीर को सभी आवश्यक प्रोटीन दे सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से सोयवे प्रोटीन पाउडर का सेवन करना शुरू कर दीजिए।